प्लेटफॉर्म पर आया लेकिन टिकट ही निकालना भूल गया, तो अभी फिर से नीचे जाना पड़ेगा। चलो जाने दो, वैसे जो 5 रुपये लेते हैं इसमें डाल देता हूँ टाइम पास करने से अच्छा। बहुत देर हो चुकी है, फटाफट से मुझे वसई के एवरसाइन में जाना पड़ेगा। यहाँ के मौसम का हाल देखिए कितना ज्यादा बिगड़ चुका है। अभी बारिश हुई है, आप कोने में पानी जमा हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पर भारी बारिश शुरू हो चुकी है, नीचे फर्श पर काफी ज्यादा फिसलन है। ट्रेन आ चुकी है, विरार की ट्रेन है, स्लो। चलो अभी वैसे ही पहुँच चुका हूँ, 20 मिनट बाकी है, 7 बजे से पहले पहुँचना है मुझे उधर। इतने दिनों से बारिश नहीं हुई और आज न जाने क्या होगा, क्या पता मौसम को, आज अचानक से बारिश हो रही है। बरसात में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वैसे ही में ही होती है, वैसे ही और विरार। थोड़ा सा गलत एड्रेस पर आ गया, एवरसाइन गेट पर आ गया, तो अब मैं गोखेर तालाब के बस स्टॉप पर बैठा हूँ। एवरसाइन के लास्ट स्टॉप पर जाना कैंसिल हो गया क्योंकि वो गाड़ी लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, तो अभी यहीं पर बैठना पड़ेगा मुझे। अगर मैं आप खा लूँगा तो सीधे रात के 11-12 बजे होटल पर ही खाना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे अभी कुछ खाना पड़ेगा। यहाँ पर सामने ताज़ा ताज़ा अमरूद है, तो चलो खाते हैं। सिर्फ एक अमरूद की कीमत 30 रुपए है, तो सोचिए कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, खाने के लिए भी ज़्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ रहे हैं। 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ लेकिन गाड़ी अब तक यहाँ पर पहुँची नहीं है। कई दिनों के बाद और कई सालों के बाद मैं अकेला आज गाँव जा रहा हूँ, मतलब मेरा भाई नहीं आ रहा है साथ में। छुट्टी थी 2 दिन की और 2 दिन के बाद अब मुझे फिर से काम ज्वाइन करना है, तो इसी वजह से मैं छुट्टी के दिन गाँव जा रहा हूँ। बरसात हुई यहाँ पर वसई में और हर तरफ सिर्फ कीचड़ कीचड़ कर रखा है, तो जिस गाड़ी का इंतज़ार मैं कब से कर रहा था वो सामने ही खड़ी है। चलो चलते हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ सामान भरा जा रहा है गाड़ी के अंदर, तो ऐसे ही कुछ कुछ जगह पर रुकते रुकते जाएगी गाड़ी। या अभी जो पैसेंजर आए हैं इन लोगों ने इतना सारा सामान ला रखा है कि गाड़ी में रखने तक की जगह नहीं है। दिखा दो। तो अब गाड़ी में सारे पैसेंजर्स बैठ तो निकल चुके हैं, हमारी सवारी सीधे गांव के लिए। रास्ते पे हर तरफ सिर्फ कीचड़ हो रहा है, देखिए। तो गाइस अब हमारी गाड़ी इस होटल में रुकी है जिसका नाम है, एक मिनट, होटल फाउंटेन। ये देखिए गाइस, ये होटल कुछ इस तरह का है। पहले ये होटल काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये पूरा पत्र के टाइप का बना हुआ था, लेकिन अब इसको थोड़ा ज़्यादा ही मॉडिफाई किया गया है। अब नाइट की ट्रैवलिंग की वजह से मुझे कुछ हल्का ही खाना पड़ेगा, काफ़ी कम चार्जिंग रह गई है तो कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज मुझे अंडा भुर्जी खाने का मन हुआ इसलिए मैंने अंडा भुर्जी ऑर्डर किया और 2 तंदूर रोटी, साथ में प्याज है और नींबू, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये खाना रहा। खाना तो खा लिया है मैंने, अब ऊपर से सामान न गिरे इस वजह से ऊपर से कुछ रस्सियाँ बांधी जा रही है। तो फाउंटेन होटल का यहाँ का एक खूबसूरत नज़ारा देख लीजिए नाइट का, ये देखिए कुछ इस तरह का होटल है, काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है। हेलो, अभी फटाफट से निकलते हैं, चार्जिंग भी 5-6% रह गई है, कब ख़त्म होगी पता नहीं। मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा, 2-3 ब्लॉग में गाँव जाते वक्त मैंने आपको कसारा घाट दिखाया। आखिरकार आ गए समृद्धि महामार्ग पर, चलो चलते, अब सीधे मिलते हैं सुबह समृद्धि महामार्ग। तो अभी भी मैं घर पर पहुंचा हूं, तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूं। रात के टाइम पर मैं चार्जिंग ख़त्म होने की वजह से व्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो आपको भी व्लॉग कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर कहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।